हरियाणा बॉर्डर के पार पंजाब में गोलियां चलाना आतंकवाद के अपराध हैं। एक्सपायर्ड गोले चलाना आंसू गैस के, जिसके ये साथ हैं उसका बेड़ा गरक है, जिसके ये साथ हैं उसी के पीठ में तो चाकू मारते हैं। जिस कम्युनिटी के ऊपर, जिस ग्रुप के ऊपर असर पड़ता है, उससे पूछ के उसकी आवाज से पार्लियामेंट को बिल पास करना चाहिए। उनके गुजराती बिजनेसमैन ने बैंकों से अपना माफ करा लिया, वो वापिस लेके किसानों को देना है ताकि किसान आत्महत्या ना करें। आपको पता है कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं? अडानी अंबानी जी की वजह से आत्महत्याएं हो रही है। तो ये पैसा वापस आएगा, ये किसानों के पास जाएगा, किसान उससे बेहतर अपनी अपनी सेहत बनाएंगे, अपने घर वालों को अच्छे तरीके से पालेंगे और ज्यादा मेहनत करके अच्छा खाद्य पदार्थ जो खाद्यान्न है वो उगाएंगे और उससे दाम सस्ते होंगे। मगर इसी देश की जनता ये भी तो कह रही है कि कौन सा किसान इस तरीके से हिंसा फैलाता है, कौन सा किसान देश में इस तरीके से आयात निर्यात को रोक देता है, यातायात में कितनी समस्याएं होती है जब भी किसान आंदोलन होता है। हमने 2021 में भी देखा था और अभी भी 11 दिनों से देखते हैं। देखिए आप तो समझदार पत्रकार हैं, किसानों की वजह से यातायात कभी भी रुका नहीं है, आंदोलन की वजह से यातायात नहीं रुकता, पुलिस जो बैरिकेड लगाती है उसकी वजह से यातायात रुकता है। बैरिकेड तो लगाना होगा ना, क्यों 25,000 किसान दिल्ली में कूच कर जाए तो क्या दिक्कत है? दिल्ली की आपको पॉपुलेशन पता है कितना है? दिल्ली की 2.5 करोड़ से 3 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है। 25-30 हजार, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख लोग आते जाते आराम से हैं यहाँ पे रोज। लाखों लोग अंदर आते हैं और लाखों लोग बाहर जाते हैं रोज, जो मजदूर यहाँ काम करने आते हैं। मगर तो सिक्योरिटी भी तो जरूरी है। पिछली बार भी लाल किला पे जो चीजें हुई अब वो दोबारा से दोहराना नहीं चाहेगी सरकार। मैं वही कह रहा हूँ ना, खतरा किसे है कि मोदी जी को अडानी अंबानी जी से पैसे वापस लेके देश की जनता को देने पड़ेंगे, ये दबाव बनेगा उनपे, इसके लिए प्रॉब्लम है। पिछली बार भी किसानों ने कोई हिंसा नहीं की थी, पुलिस ने उनके पर हिंसा कराई थी। पिछली बार भी आपने देखा होगा आरएसएस ने अपने एजेंट्स वहां भेजे थे हिंसा कराने के लिए, उनसे ये दिखाने के लिए कि किसान ये बातें कर रहे हैं। अपने लोग भेजते हैं, हर एक आंदोलन में ये काम करते हैं, जहां भी हिंसा होगी वो आरएसएस के एजेंट ही करते हैं जाकर। क्या ये कहा जा सकता है कि किसान 2024 को लेकर चुनाव पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर जबरदस्ती प्रेशर बनाना चाह रहे हैं? नौकर के कान कब मिटे जाते हैं? जब वो दोबारा नौकरी मांगने आता है तो प्रधानमंत्री जी, अमित शाह जी, मोदी जी, ये सब अब दोबारा नौकरी मांगने आ रहे हैं ना। 5 साल खत्म हो गए इनके, 5 साल इन्होंने खूब बेईमानी की, अडानी अंबानी का खूब पेट भरा, अब दोबारा आ रहे हैं किसानों के पास, मालिकों के पास के वोट दो, तो यही तो सबसे अच्छा टाइम होता है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ईवीएम एक ऐसी चीज है, अल्टीमेटली जो किसान है वो रियलाइज करेंगे कि मोदी जी उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि उनके वोट ही नहीं चाहिए उन्हें, फर्क ही नहीं पड़ता उनको, तो ईवीएम से इलेक्शन जीतना है। ना किसानों से फर्क पड़ता है, ना नौजवानों से पड़ता है, ना बेरोजगारों से पड़ता है, ना मजदूरों से पड़ता है, किसी से फर्क नहीं पड़ता उन्हें, ना जवानों से फर्क पड़ता है उन्हें, तो ईवीएम से फर्क पड़ता है। ईवीएम में वो घपला करके इलेक्शन जीतते हैं, इसीलिए किसी की बात नहीं सुनते। लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपनी इमेज सुधारने के लिए, अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए और ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतने के लिए, बस यही उनका काम है और उनका कोई काम नहीं। 2024 के चुनाव पर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आज आर्मी के लोग भी सबको पढ़े हैं, ओपीएस को लेकर हैं, ईपीएस को लेकर के हैं, किसान आ चुके हैं, पहलवानों ने एक बार फिर से कहा है कि अगर नहीं मांग मांगी जाए तो हम एक बार फिर से सड़कों पर जंतर मंतर पर उतरेंगे, क्या लगता है 2024 के चुनावों पर इसका कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि वोट ये दे नहीं पा रहे ना, इनके वोट काउंट ही नहीं होते, ईवीएम के वोट काउंट होते हैं, जनता के हम नहीं। बिल्कुल नहीं होते, ये बात सबको ध्यान से सुन लेनी चाहिए, वरना ईवीएम में वोट दे, ईवीएम में जनता वोट दे के आती है लेकिन जनता का वोट काउंट नहीं होता ना, वो वोट चुरा लिया जाता है ईवीएम में और मोदी जी का वोट ही बन जाता है, जो वोट मोदी जी के खिलाफ जाता है वो भी मोदी जी को वोट बन जाता है, इसीलिए वो किसी की बात नहीं सुनते, किसी के परवाह नहीं करते, कितना भी आंदोलन कर लो कोई परवाह नहीं है। उसकी सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं, किसी जनता से उन्हें कोई परवाह नहीं, मुंह दिखाने के लिए सिर्फ करते हैं ताकि लोगों को और ज्यादा शक और यकीन में ना बदल जाए कि ईवीएम वाले प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए मुंह दिखाई में कई बार बोलते हैं कि मैं चिंता करता हूं, मैं ये करता हूं, पीयूष गोयल जी को भेज दिया बात करने के लिए, अर्जुन मुंडा जी को भेज दिया बात करके किसानों को बहकाने के लिए, ये सब छलावा है।
उनको कोई किसी से मतलब नहीं है, कोई बातचीत नहीं करनी। किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए वो कहेंगे चलो मैं ऑर्डिनेंस ले आता हूँ, कुछ नहीं करना उन्होंने। जैसे ही ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतेंगे, अगला दोबारा इससे ज्यादा खतरनाक रूप में हमला करेंगे सभी देश की जनता पे। तो ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना, सभी जो लोग जनता है देश की उसको सबसे पहला काम ये करना चाहिए ईवीएम हट जाए। अभी मोदी जी सबके चरणों में बैठे होंगे, फिर उन्हें डर लगेगा कि अब तो मुझे इन्हीं से वोट चाहिए और मैं इन्हीं की हकमारी कर रहा हूं, इन्हीं के साथ दगाबाज। बिल्कुल नहीं है ना, ईवीएम जब तक है उनको किसी का डर नहीं है, उनकी जीत सुनिश्चित है। 400 पार ईवीएम से हो रहे हैं। नहीं, वो तो 370 इसलिए कहते हैं क्योंकि 370 हटाया है, इसलिए 370 वो। मैं 400 पार भी तो बोल रहे हैं, वो 400 पार एनडीए का, एनडीए का ठीक है, 370 या 400 पार वो सिर्फ ईवीएम से है, वरना 3 भी पार नहीं होगा, 40 भी पार नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं लोग। ये बात जानते हैं और मोदी जी भी ये बात जानते हैं कि 40 भी पार ना हो, क्या पता 3 भी पार ना हो, 37 भी पार ना हो, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुए तो। ईवीएम में मोदी जी की जान बसी हुई है और देश की जनता की जान पेपर बैलेट में बसी हुई है। तो देश की जनता पेपर बैलेट से चुनाव कराना चाहती है और जितने आंदोलन हो रहे हैं वो धीरे धीरे इस बात को महसूस कर रहे हैं कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई गोली चलवा रहे हैं, ड्रोन से बम फेंकवा रहे हैं, आंसू गैस के बम फेंकवा रहे हैं और पैलेट से आंखें फोड़ रहे हैं लोगों की, पैलेट गन से। क्यों 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 ऐसे कर रहे हैं कि वोट नहीं चाहिए ना, नाराज होते हो जाओ, मुझे तो ईवीएम से इलेक्शन जीतना है और ईवीएम का मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है। अभी पेपर बैलेट से चुनाव हो जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे कि पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, मोदी जी इस्तीफा देके देश छोड़ के भागने की भी कगार पे आ सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी से ये कहलवा दीजिए कि मैं पेपर बैलेट से भी चुनाव कराने को तैयार हूँ, फिर बताइए वो अगर अगले दिन ही टिकट कटा के बाहर ना जाना चाहे। किसी भी व्यक्ति को अगर जनता के वोट से जीत रहा है जो, उसको क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से चुनाव हो या पेपर बैलेट से चुनाव हो। लोग शक कर रहे हैं तो बोल दें वो कि चलो मैं पेपर बैलेट से चुनाव करा लेता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या ये चैलेंज है? चैलेंज नहीं है, ये सच्चाई है जो देश की जनता समझ चुकी है। ये बातें देश की जनता ने हमें बताई है कि भाई जो बेईमान नहीं है, जिसे बेईमानी नहीं करनी, तो पेपर बैलेट से चुनाव कराओ या ईवीएम से कराओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसे बेईमानी कर रही है वही ये कहेगा कि नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से चुनाव होगा। ये देखिए, किसान इस देश के अन्नदाता हैं, किसान बाकी आम नागरिकों की तरह देश के मालिक भी हैं, बराबर के मालिक हैं। किसान इस वक्त अपनी स्वयं की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। जो ये 3 गंदे घिनौने बिल सरकार लाई थी वो एक बड़ी साजिश थी चाइना के साथ मिलके, आरएसएस और बीजेपी की, अडानी जी और अंबानी जी की, कि चाइना का एक बड़ा प्लान चल रहा है पूरी दुनिया की एग्रीकल्चरल लैंड यानी के खेती योग्य जमीनें वो खरीद ले। उसने ऐसा चाइना ने बहुत सारे अपने दलालों के साथ मिलके अफ्रीका में किया, साउथ अमेरिका में किया, यूरोप के भी कुछ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज में भी ये काम किया हुआ। वही काम वो मोदी जी के माध्यम से, आरएसएस और बीजेपी के माध्यम से, अडानी जी और अंबानी जी के माध्यम से भारत में करना चाह रहे थे। लेकिन भारत के जो किसान है वो एकदम चाक चौबंद थे, उन्होंने मोदी जी की ये चोरी पकड़ ली। 750 कुर्बानियां देके, जैसे भगत सिंह और दूसरे हमारे अशफाक उल्ला खान और दूसरे बहादुर जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने बड़ी बड़ी कुर्बानियां देके देश को बचाया। तो 750 कुर्बानियां देके मोदी जी के इस संविधान और देश विरोधी काम से देश के किसानों ने बचाया देश को, और मोदी जी को वो कानून वापस लेने पड़े। एमएसपी की जो मांग किसान कर रहे हैं, उनकी बहुत सारी मांगे हैं, उसको लोगों को समझना चाहिए। एमएसपी की मांग क्यों कर रहे हैं? ताकि देश की जनता को महंगा नहीं सस्ता अनाज दे पाए, क्योंकि अडानी अंबानी के अगर हाथ में ये चला गया सारा खेती, तो 1 रुपए की चीज जो आज खरीदी जाती है वो 10 और 50 और 100 रुपए की खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये मोनोपोली कर लेंगे, सारे देश की जमीनें चाइना के कंट्रोल में आ जाएंगी खेती वाली। ये साजिश को किसान अपने ऊपर खतरा लेके मोल लेके रख रहे हैं, ताकि हम महंगा अनाज ना खरीदना पड़े कल। किसान जो ट्राइबल्स लोग हैं, आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनकी जंगल जमीन की रक्षा होनी चाहिए। किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनको
उनके मेहनत का बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। किसान जो बेगुनाह लोग थे जिनके ऊपर झूठे केस लगाए गए उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो ये पूरे देश की लड़ाई किसान लड़ रहे हैं, पूरा देश उनके साथ है। ये कानून संविधान के मूलभूत धारण जो भावना है उसके खिलाफ थे और किसानों ने संविधान की रक्षा करने का बीड़ा उठाया। लेकिन क्या बैरिकेडिंग तोड़ना, नकल कितना पुलिस कर्मियों पर लाठी चलाना और इसके साथ ही पराली में मिर्च डालकर जलाना, क्या ये सब कानून का उल्लंघन नहीं है? अगर इस तरह की चीजें कोई किसान करे तो क्या अन्नदाता से ये उम्मीद की जा सकती है? पुलिस का काम क्या होता है, पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जो चीफ मिनिस्टर है, जो होम मिनिस्टर है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो डीजीपी है, जो पुलिस के दूसरे अधिकारी हैं, उनका क्या काम होता है? उनका काम यह होता है कि संविधान की रक्षा करना। संविधान देश का ये इजाजत देता है हर एक नागरिक को कि वो पीसफुल प्रोटेस्ट करने देश के किसी भी हिस्से में आजादी से जा सकता है, और पुलिस का काम है उनको हिफाजत देना, उनको प्रोटेक्शन देना। तो ये बैरिकेड्स किसानों ने लगाए थे क्या? ये बैरिकेड्स खट्टर जी ने, उनके डीजीपी साहब ने, उनके मंत्रियों ने, मोदी जी और अमित शाह जी और आरएसएस अडानी अंबानी के कहने पे लगाए थे। तो अपराध तो वो हुआ ना पहले, दूसरा अपराध कौन कर रहा है? पंजाब के बॉर्डर के पार, मतलब हरियाणा बॉर्डर के पार पंजाब में गोलियां चलाना आतंकवाद के अपराध है। पंजाब के बॉर्डर के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर ड्रोन भेजकर बॉर्डर क्रॉस करा के आंसू गैस के गोले फिकवाना, ये अपराध है, आतंकवाद का अपराध है। एक्सपायर्ड गोले चलाना आंसू गैस के, ये आतंकवाद का अपराध है। पैलेट गन्स चलाना अपराध है, स्टन गन्स चलाना अपराध है, रबर बुलेट चलाना अपराध है हरियाणा बॉर्डर को क्रॉस करके पंजाब, ये सभी अपराध कौन कर रहा है? सीएम हरियाणा करा रहे हैं, मोदी जी करा रहे हैं, अमित शाह जी करा रहे हैं, अडानी करा रहे हैं, अंबानी करा रहे हैं, आरएसएस के लोग करा रहे हैं। हरियाणा के सीएम का तो साफ तौर पे कहना है कि हम किसानों के साथ हैं। ऐसा ही तो मोदी जी का साथ होता है, जिसके ये साथ हैं उसका बेड़ा गर्क है, जिसके ये साथ हैं उसी के पीठ में तो चाकू मारते हैं। अब केंद्र सरकार ने लेकिन चार बार की बातचीत की है, इसमें जो भी बातचीत होती है अब उससे किसान किसी भी चीज में हामी नहीं भर रहे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि केंद्र सरकार सारी ही बातें किसानों के अगेंस्ट। पहले हम बुनियादी बात समझ लें, प्रधानमंत्री जी हैं कौन? जनता के नौकर। किसान कौन है? और जो पार्लियामेंट, जो संविधान की स्वरूप है ना, वो ऐसी है कि जिस विषय का, जिसके, जिस कम्युनिटी के ऊपर, जिस ग्रुप के ऊपर असर पड़ता है उससे पूछ के उसकी आवाज से पार्लियामेंट को बिल पास करना चाहिए। तो किसानों से पूछ के ये बिल पास करना चाहते हैं, और किसान जो मांग रहे हैं उनको क्या वो अपनी चाय बेच के जो पैसे इकट्ठे किए होंगे बचपन में उसकी जे उससे पैसे दे रहे हैं? देश की जनता का पैसा है, किसानों का पैसा है, किसानों को वो पैसा अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं। जो किसानों को पैसा दिया भी जाएगा वो वसूला जाएगा, मतलब वो किसानों को पैसा देने का मतलब है खाद्य पदार्थों का दाम जो है नियंत्रित रखना। जो छोटे में मोदी जी ऐसा प्रचारित कर रहे हैं ना कि दाम बढ़ जाएंगे, बल्कि उससे दाम कम होंगे, स्टेबिलिटी आएगी। जो उधार पैसे मोदी जी ने अंबानी अडानी जी के और दूसरे अपने मित्रों के, गुजरात के जो बिजनेसमैन है, उनके मित्र बिजनेसमैन, उनको जो बैंकों से फ्रॉड करके लोन दिलवाए हैं 25 लाख करोड़ से ज्यादा, उतना तो किसानों का कर्ज माफ करने में नहीं जाएगा, उससे कई गुना कम जाएगा, और किसान वो पैसा चुका भी रहे हैं। किसान सरकार सिर्फ किसानों के हिसाब से, उनकी मांगों के हिसाब से नहीं चल रही थी ना, सरकार को तो पूरे देश का सोचना है, और तो पूरे देश का सोच कर ही कुछ अनाज पर उन्होंने एमएसपी की बात कही भी थी 5 सालों के लिए कही थी, लेकिन किसान उन मुद्दों पे भी नहीं हामी भरने को तैयार है। मोदी जी देखिए वो हैं कौन, मैं यही तो पूछ रहा हूँ। वो कभी पायलट्स को, एयरफोर्स के पायलट्स को रास्ता बताने को तैयार हो जाते हैं कि ऐसे जाके पादलों के पीछे से बम चलाना, वो उनको किसी चीज के विषय में ज्ञान ही नहीं है, वो क्यों बोलते हैं? ये किसान तय करेगा वो क्या उगाएगा, या मोदी जी बताएंगे क्या उगाना है, कहाँ पे क्या उगेगा कहाँ पे? दूसरी बात, मोदी जी की सरकार ये बता रहा, पीयूष गोयल जी बता रहे हैं जिन्होंने कभी खेती मुझे नहीं लगता कभी की होगी, कि ये खेत आप ये उगाओ। अरे भाई, किसान कोई खेती कर रहा है, कितनी मेहनत करके खून पसीना एक करके खेती करता है, तो वो अपने बच्चों का पेट पालने के लिए 2 पैसे कमाना चाहता है। आप ऐसा एक सिस्टम क्रिएट करो
कि वो दूसरी फसलें उसको बोने में और उसको उसका उसकी खेती करने में उसको लाभ होगा तो अपने आप वो उसको यूज करेंगे, तो ये सरकार का काम होता है, वो तो करेंगे नहीं। अडानी अंबानी को पैसे देने के लिए ही इनका पेट काट रहे हैं किसान, अडानी अंबानी से पैसा वापस लेके देश की जनता को दिलवाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। कहां गया है 25 लाख करोड़ जो अडानी अंबानी और उनके गुजराती बिजनेसमैन ने बैंकों से अपना माफ करा लिया, वो वापस लेके किसानों को देना है ताकि किसान आत्महत्या ना करें। आपको पता है कितने किसान आत्महत्या कर रहे हैं? अडानी अंबानी जी की वजह से आत्महत्याएं हो रही है। तो ये पैसा वापस आएगा, ये किसानों के पास जाएगा, किसान उससे बेहतर अपनी अपनी सेहत बनाएंगे, अपने घर वालों को अच्छे तरीके से पालेंगे और ज्यादा मेहनत करके अच्छा खाद्य पदार्थ जो खाद्यान्न है वो उगाएंगे और उससे दाम सस्ते होंगे। मगर इसी देश की जनता ये भी तो कह रही है कि कौन सा किसान इस तरीके से हिंसा फैलाता है, कौन सा किसान देश में इस तरीके से आयात निर्यात को रोक देता है, यातायात में कितनी समस्याएं होती है जब भी किसान आंदोलन होता है, हमने 2021 में भी देखा था और अभी भी 11 दिनों से देखते हैं। देखिए आप तो समझदार पत्रकार हैं, किसानों की वजह से यातायात कभी भी रुका नहीं है, आंदोलन की वजह से यातायात नहीं रुकता, पुलिस जो बैरिकेड लगाती है उसकी वजह से यातायात रुकता है। बैरिकेड तो लगाना होगा ना, क्यों 25,000 किसान दिल्ली में कूच कर जाए तो क्या दिक्कत है? दिल्ली की आपको पॉपुलेशन पता है कितना है? दिल्ली की 2.5 करोड़ से 3 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, 25-30 हजार 50 हजार 1 लाख 2 लाख 5 लाख लोग आते जाते आराम से हैं यहाँ पे रोज, लाखों लोग अंदर आते हैं और लाखों लोग बाहर जाते हैं रोज जो मजदूर यहाँ काम करने आते हैं। मगर तो सिक्योरिटी भी तो जरूरी है, पिछली बार भी लाल किला पे जो चीजें हुई अब वो दोबारा से दोहराना नहीं चाहेगी सरकार। मैं वही कह रहा हूँ ना, खतरा किसे है कि मोदी जी को अडानी अंबानी जी से पैसे वापस लेके देश की जनता को देने पड़ेंगे, ये दबाव बनेगा उनपे, इसके लिए प्रॉब्लम है। पिछली बार भी किसानों ने कोई हिंसा नहीं की थी, पुलिस ने उनके पर हिंसा कराई थी, पिछली बार भी आपने देखा होगा आरएसएस ने अपने एजेंट्स वहां भेजे थे हिंसा कराने के लिए, उनसे ये दिखाने के लिए कि किसान ये बातें कर रहे हैं, अपने लोग भेजते हैं, हर एक आंदोलन में ये काम करते हैं, जहां भी हिंसा होगी वो आरएसएस के एजेंट ही करते हैं जाकर। क्या ये कहा जा सकता है कि किसान 2024 को लेकर चुनाव पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार पर जबरदस्ती प्रेशर बनाना चाह रहे हैं? नौकर के कान कब मिटे जाते हैं? जब वो दोबारा नौकरी मांगने आता है तो प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी मोदी जी ये सब अब दोबारा नौकरी मांगने आ रहे हैं ना, 5 साल खत्म हो गए इनके, 5 साल इन्होंने खूब बेईमानी की, अडानी अंबानी का खूब पेट भरा, अब दोबारा आ रहे हैं किसानों के पास मालिकों के पास के वोट दो, तो यही तो सबसे अच्छा टाइम होता है। और मैं तो ये भी कहूंगा कि ईवीएम एक ऐसी चीज है, अल्टीमेटली जो किसान है वो रियलाइज करेंगे कि मोदी जी उनकी बात क्यों नहीं सुन रहे, क्यों नहीं सुन रहा है, क्योंकि उनके वोट ही नहीं चाहिए उन्हें, फर्क ही नहीं पड़ता उनको, तो ईवीएम से इलेक्शन जीतना है, ना किसानों से फर्क पड़ता है, ना नौजवानों से पड़ता है, ना बेरोजगारों से पड़ता है, ना मजदूरों से पड़ता है, किसी से फर्क नहीं पड़ता उन्हें, ना जवानों से फर्क पड़ता है उन्हें, तो ईवीएम से फर्क पड़ता है, ईवीएम में वो घपला करके इलेक्शन जीतते हैं, इसीलिए किसी की बात नहीं सुनते, लाखों करोड़ रुपए खर्च करते हैं अपनी इमेज सुधारने के लिए, अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए और ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतने के लिए, बस यही उनका काम है और उनका कोई काम नहीं। 2024 के चुनाव पर आपको क्या लगता है, जिस तरीके से आज आर्मी के लोग भी सबको पढ़े हैं, ओपीएस को लेकर हैं, ईपीएस को लेकर के हैं, किसान आ चुके हैं, पहलवानों ने एक बार फिर से कहा है कि अगर नहीं मांग मान ली जाए तो हम एक बार फिर से सड़कों पर जंतर मंतर पे उतरेंगे, क्या लगता है 2024 के चुनावों पर इसका कितना असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा, क्यों सर? क्योंकि वोट ये दे नहीं पा रहे ना, इनके वोट काउंट ही नहीं होते, ईवीएम के वोट काउंट होते हैं, जनता के हम नहीं। बिल्कुल नहीं होते, ये बात सबको ध्यान से सुन लेनी चाहिए, वरना ईवीएम में वोट दे, ईवीएम में जनता वोट दे के आती है लेकिन जनता का वोट काउंट नहीं होता ना, वो वोट चुरा लिया जाता है ईवीएम में, और मोदी जी का वोट ही बन जाता है, जो वोट मोदी जी के खिलाफ जाता है वो भी मोदी जी को वोट बन जाता है, इसीलिए वो किसी की बात नहीं सुनते, किसी के परवाह नहीं करते, कितना भी आंदोलन कर लो कोई परवाह नहीं उन्हें, उसकी सबसे बड़ा सबूत यह है कि वो ईवीएम के प्रधानमंत्री हैं, किसी जनता से उन्हें कोई परवाह नहीं, मुंह दिखाने के लिए सिर्फ करते हैं ताकि लोगों को और ज्यादा शक और यकीन में ना बदल जाए कि ईवीएम वाले प्रधानमंत्री हैं, इसीलिए मुंह दिखाई में कई बार बोलते हैं कि मैं चिंता करता हूं, मैं ये करता हूं, पीयूष गोयल जी को भेज दिया बात करने के लिए, अर्जुन मुंडा जी को भेज दिया बात करके किसानों को बहकाने के लिए, ये सब छलावा है, उनको कोई किसी से मतलब नहीं है,
कोई बातचीत नहीं करनी, किसानों को बेवकूफ बनाने के लिए वो कहेंगे चलो मैं ऑर्डिनेंस ले आता हूँ, कुछ नहीं करना उन्होंने। जैसे ही ईवीएम के माध्यम से चुनाव जीतेंगे अगला, दोबारा इससे ज्यादा खतरनाक रूप में हमला करेंगे सभी देश की जनता पे। तो ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना, सभी जो लोग जनता है देश की उसको सबसे पहला काम ये करना चाहिए ईवीएम हट जाए। अभी मोदी जी सबके चरणों में बैठे होंगे, फिर उन्हें डर लगेगा कि अब तो मुझे इन्हीं से वोट चाहिए और मैं इन्हीं की हकमारी कर रहा हूं, इन्हीं के साथ दगाबाज। बिल्कुल नहीं है ना, ईवीएम जब तक है उनको किसी का डर नहीं है, उनकी जीत सुनिश्चित है, 400 पार ईवीएम से हो रहे हैं। नहीं वो तो 370 इसलिए कहते हैं क्योंकि 370 हटाया है, इसलिए 370 वो। मैं 400 पार भी तो बोल रहे हैं, वो 400 पार एनडीए का, एनडीए का 370 या 400 पार वो सिर्फ ईवीएम से है, वरना 3 भी पार नहीं होगा, 40 भी पार नहीं होगा, ऐसा बोलते हैं लोग। ये बात जानते हैं और मोदी जी भी ये बात जानते हैं कि 40 भी पार ना हो, क्या पता 3 भी पार ना हो, 37 भी पार ना हो, अगर ईवीएम से चुनाव नहीं हुए तो। ईवीएम में मोदी जी की जान बसी हुई है और देश की जनता की जान पेपर बैलेट में बसी हुई है। तो देश की जनता पेपर बैलेट से चुनाव कराना चाहती है और जितने आंदोलन हो रहे हैं वो धीरे धीरे इस बात को महसूस कर रहे हैं कि फर्क ही नहीं पड़ रहा, कोई गोली चलवा रहे हैं, ड्रोन से बम फेंकवा रहे हैं, आंसू गैस के बम फेंकवा रहे हैं और पैलेट से आंखें फोड़ रहे हैं लोगों की, पैलेट गन से। क्यों 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 ऐसे कर रहे हैं कि वोट नहीं चाहिए ना, नाराज होते हो जाओ, मुझे तो ईवीएम से इलेक्शन जीतना है और ईवीएम का मैंने पूरा इंतजाम कर रखा है। अभी पेपर बैलेट से चुनाव हो जाए, आज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर दे कि पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, मोदी जी इस्तीफा देके देश छोड़ के भागने की भी कगार पे आ सकते हैं, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मोदी जी से ये कहलवा दीजिए कि मैं पेपर बैलेट से भी चुनाव कराने को तैयार हूँ, फिर बताइए वो अगर अगले दिन ही टिकट कटा के बाहर ना जाना चाहे, किसी भी व्यक्ति को अगर जनता के वोट से जीत रहा है जो, उसको क्या फर्क पड़ता है ईवीएम से चुनाव हो या पेपर बैलेट से चुनाव हो। लोग शक कर रहे हैं तो बोल दें वो कि चलो मैं पेपर बैलेट से चुनाव करा लेता हूँ, लेकिन नहीं, ऐसा कभी नहीं करेंगे। क्या ये चैलेंज है? चैलेंज नहीं है, ये सच्चाई है जो देश की जनता समझ चुकी है। ये बातें देश की जनता ने हमें बताई है कि भाई जो बेईमान नहीं है, जिसे बेईमानी नहीं करनी, तो पेपर बैलेट से चुनाव कराओ या ईवीएम से कराओ, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जिसे बेईमानी कर रही है वही ये कहेगा कि नहीं, पेपर बैलेट से चुनाव नहीं होगा, ईवीएम से चुनाव होगा।